अस्सलाम वालेकुम दिस इज जवाद एंड वेलकम बैक टू तो अनदर वीडियो तो ले ले जी ये आपकी पाकिस्तान साड़ी की ग्रेड नाइन ये जो बड़ी वाली नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है ये देख लो नेशनल बुक फाउंडेशन नीचे लिखा है यही बुक है मुझे पता है नीचे बच्चे कह रहे थे नई बुक से वीडियो बनाएँ तो नई बुक का मुझे पता है चेंज हो गई ये जहरी बात है मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे पता होगा तो उसके बाद इसमें जो आपके चैप्टर आते हैं और टॉपिक्स आते हैं ये लिस्ट ऑफ कंटेंट्स है पहला चैप्टर है आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान इसमें से मीनिंग डेफिनेशन सोर्सेज ऑफ़ आइडियोलॉजी सिग्निफिकेंस और ये सारी चीज़ें आपको टू नेशन थ्योरी वगैरह आपको पता होना चाहिए उसके बाद दूसरे चैप्टर में आओ तो ये दूसरे चैप्टर मेकिंग ऑफ पाकिस्तान है इसमें ये सारी चीज़ें ये टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए और चैप्टर थ्री जो है हमारा लैंड एंड एनवायरनमेंट है जिसमें लोकेशन जियोग्राफिक फिज़िकल फ्यूचर और ये टेम्परेचर जोन वगैरह ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए और उसके बाद ये चैप्टर फ़ोर है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इसमें एक आद अजम के बारे में और जितना उनका रोल था लियाकत अली खान का सबका ये आपको भी पता होना चाहिए तो आगे चलते हैं जी तो ये साथ में इसकी ये भी है ये थोड़ा लेंथी है और इसमें आए तो आइडियोलॉजी की डेफिनेशन इसमें से इम्पॉर्टेंट है आपके पास और जो आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी इन टर्म्स ऑफ वो जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है वो भी इधर इम्पोर्टेंट है आपके पास ठीक है और आगे चलें तो यहाँ पे तकरीबन टू नेशन थ्यूरी जो है सर सैद अहमद ख़ान की टू नेशन जो थ्यूरी है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो ये आपकी हेडिंग में जिस तरह बुक में पुरानी बुक में लिखा था आपने उसको उस तरह तैयार करना है उसके बाद ये जो है लामा इकबाल की प्रोनाउंसमेंट है दिस इज़ ये देखें क्योंकि हेडिंग में बना है टू नेशन थ्योरी को तो इस बार इन्होंने इस बुक में छोटा कर दिया है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो बाकी ये इसमें से पहली ये लामा इकबाल की प्रोनाउंसमेंट आपने नहीं छोड़नी अगर नई बुक के हिसाब से ही आप चलते हैं तो उसके बाद ये कायद कादाजम की जो प्रोनाउंसमेंट है इसको भी आप कोशिश करें कि हेडिंग बना के लिखें वैसे इसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है ये देखें ये इसकी सारी ये जो इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं ये सारी हेडिंग्स बनी हुई हैं ये आपने पेज नंबर अलेवन है तो ये आपने लाजमी लिख लेनी है बाकी आगे चलें तो ये एम सी क्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं तो उसके बाद ये देखें वही क्वेश्चन आंसर हैं डि गिव डेफिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी सोर्स ऑफ आइडियोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन पाकिस्तान आइडियोलॉजी और फंडामेंटल प्रिंसिपल इसमें से कर लो और सर सैयद की टू नेशन थ्योरी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे देखें ना डिटेल में फिर टू नेशन थ्योरी आया लेकिन वो लिखा हुआ बहुत छोटा है तो उसको आपने डिटेल में लिखना है हेडिंग्स बना के प्रॉपर टू नेशन थ्योरी को तो इसी तरह ये ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे तीनों इंपॉर्टेंट बस दे दिए ये तीन कर लो बाकी वो पुरानी बुक होती थी उसमें आई थिंक से ज़्यादा होते थे उसके बाद ये मेकिंग ऑफ पाकिस्तान है तो मेकिंग ऑफ पाकिस्तान वाला जो चैप्टर है हमारे पास इसमें ये पार्टीशन ऑफ बंगाल वगैरह आ जाता है और ये सारा कुछ आपने देख लेना है इसको और इसमें ये जना गांधी टास्क में से भी शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह आते हैं लॉन्ग में आपको आगे जा बता देता हूँ इसमें कैबिनेट कैबिनेट मिशन प्लान भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन छोटा सा है तो देखना हुआ तो आपने देख लेना है इसमें ये थर्ड जून प्लान थर्ड जून प्लान इन क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान तो दिस इज़ वेरी वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्राम दिस चैप्टर और बाकी ये ब्रिटिश ब्रिटिश कॉलोनालिज्म और ये कादाजम का रोल जो है ये कादाजम का रोल देख लो जी इस चैप्टर से बाकी दूसरा अगर देखना है तो ये सारा पेज नंबर ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फाइव पर उसके बाद सर सैद एटीट्यूड टूवर्ड ये शॉर्ट क्वेश्चन सारे करने हैं और उसके बाद राहुल रेजोल्यूशन कैबिनेट मिशन प्लान और इसमें थर्ड जून कर लो और आखिरी वाला रोल ऑफ जिना इन क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान कर लो और आगे चलो जी लोकेशन आप ये पाकिस्तान वाला आ गया लैंड एंड एनवायरमेंट वाला तो इसमें से ये लोकेशन का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जाना पे जाना फेमस लॉन्ग क्वेश्चन है तो इस से जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर थ्री से है ये लोकेशन ऑफ पाकिस्तान है ये आपको इसका अंदाज़ा हो ही गया होगा ये लिखा हुआ तो बहुत छोटा सा है, ये क्या बात हुई यार तो ये वैसे इसको आपने यहाँ से लेकर हेडिंग से लिखना है इंट्रोडक्शन लिखनी है और उसके बाद सारी हेडिंग्स अगर आप चाहते हो लॉन्ग क्वेश्चन जिनकी हेडिंग्स नहीं बनी तो वो वो लॉन्ग क्वेश्चन नीचे में, मेंशन करो मैं उस पर हेडिंग पे एक वीडियो कंप्लीट बना दूंगा उसके बाद ये जियोग्राफिकल फीचर्स वगैरह में से शॉर्ट क्वेश्चन कोई आ सकता है और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट्स में सिर्फ आपको फैक्टर्स के नाम लिखने होंगे इसी तरह ये आगे इनको शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको मैंने पहले दूसरे उस वीडियो में बताए हैं वहाँ से देख के कर लेना है लाजमी आपने और काइंड ऑफ वेजिटेशन और ये सारा कुछ इसी तरह ये माउंटेन रेंज वाला लॉन्ग क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है, इतने इंपॉर्टेंट हैं तो अगर आपने करने हैं तो इनमें से कर लो ये डीफॉरेस्टेशन पेज नंबर फोर्टी वन है ऊपर और डीफॉरेस्टेशन और उसके बाद कॉजेज ऑफ डीफॉरेस्टेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है और आगे चलो जी तो इन्वायमेंटल पोल्यूशन की ये फैक्टर्स जो हैं उसके बाद ये हमारे पास एयर पोल्यूशन के जो फैक्टर्स हैं ये आ सकते हैं और लैंड और सॉइल पोल्यूशन के फैक्टर्स आ सकते हैं उसके बाद आगे चलें तो यहाँ पे हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और यहाँ पे ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं ये जितने भी आपको पेज नंबर फोटी पे सेवन पर दिए हुए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में आपने इसमें से क्या करना है इम्पोटेंस ऑफ फॉरेस्ट करना है और इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान करना है ये आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन करना है और इसमें एक लॉन्ग नहीं बना हुआ जो है इम्पोटेंस ऑफ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान वो करना है और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ़ पाकिस्तान हमारा आखिरी चैप्टर आ गया तो इसमें अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ सकता है आपके सामने और ये देखें ये सारी इसकी हेडिंग्स बनी हुई हैं आपको पेज नंबर फोर्टी नाइन और उसके बाद उसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन का एरम रोल है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान है और ये सारा कुछ है बाकी ये लियात की सर्विसेज को छोड़ दो उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस को भी छोड़ दो और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मुझे नहीं लगता लॉन्ग में आ सकता है ये छोटा सा तो है लेकिन देख लो करना है तो कर लो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आ सकता है और ये भी कहा जा सकता है कि इसको इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन इसकी जो प्रोविजन है ये शॉर्ट क्वेश्चन है पूछ सकता है इसी तरह जी हम आगे चले तो अयूब खान के एरा में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है और यहाँ पे ये बी डी सिस्टम वगैरह को छोड़ दो उसके बाद सेल ये 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ही इसमें अगर दिया हुआ है तो फिर ये इंपॉर्टेंट है वैसे 73 वाला इंपॉर्टेंट होता है बाकी आ गया वार पार्क वार 1965 में से कोई शॉर्ट वगैरह क्वेश्चन पूछ सकता है इसको लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर लेना ये हर किसी बच्चे को पता होनी चाहिए उसके बाद या, या खान के एरिया में से शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं उसके बाद जी सेपरेशन ऑफ़ ईस्ट पाकिस्तान से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं बस ये हमारे ये आंसर क्वेश्चन ख़त्म हो गए तो इसमें से आपने ये सारे शॉर्ट कर लेने और लॉन्ग में से प्रॉब्लम्स फेस्ड पहला लॉन्ग करना है उसके बाद जी एफर्ट मेड और अर्ली डेज ये अर्ली प्रॉब्लम है पाकिस्तान 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन और 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन ये आपने इस चैप्टर से करना है उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दो और मिलता हूँ अलग वीडियो में लाफ इस टेक केयर